हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वाई 28 5G फ़ोन है, तो वीवो वाई 28 5G फ़ोन की कैमरा आइकन्स पे जाकर, जो हम आपके फ़ोन का कैमरा है, तो फ़ोन के कैमरा पे जाकर आप कैसे हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ वगैरह को आप कैसे खींच सकते हैं अपने कैमरा पे जाकर, और कैसे फुल एचडी फ़ोटोज़ वगैरह को खींच पाएंगे, और कैसे अपने फ़ोन का जो कैमरा होता है उसके ज़रिए आप हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ को कैसे खींच सकते हैं कैमरा पे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर मैसेज रिंगटोन्स सॉरी कैसे अपने फ़ोन में कैमरा आइकन्स पे जाकर हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ को खींच सकते हैं, तो कैमरा पे जाना है। कैमरा पे जाकर आपको जिस तरीके से कैमरा को ओपन कर सकते हैं, जहाँ से मोर ऑप्शंस पे जाकर अपने हाई मेगापिक्सल कैमरा पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे 50 मेगापिक्सल के ज़रिए हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ को खींच सकते हैं और एचडी फ़ोटोज़ को भी खींच पाएंगे, जिससे कि आपके एचडी फ़ोटोज़ इस तरीके से खींच जाएगी। तो इस तरीके से भी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ को आप खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर, और आप और भी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं और हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ को खींच सकते हैं। नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड का भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और फ़ोटोज़ को भी आप खींच सकते हैं हाई क्वालिटीज़ में। और आप देखते हैं कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी हाई क्वालिटीज़ में करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से जाकर, और वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटीज़ होती है उसको आप फुल एचडी में 60 FPS कर सकते हैं, 120 FPS भी आप सेट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ को खींच सकते हैं कैमरा आइकन्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो